ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? दूसरी गाड़ी भेजनी थी ना। वो तो है जी, लेकिन ये इंडिया है जी, अब तो दिल्ली जाके कंप्लेन करना पड़ेगा जी आपको। इसीलिए तो सारा सामान लेके आ गया मैं वापस। मेरा बैग कहाँ है जी? मेरा बैग। आपका कौन सा बैग जी? मेरा काला सूटकेस। यार तभी मैं कहूँ मैं क्या भूल गया सारे रास्ते। हाँ? आप मेरा बैग गाड़ी में भूल आए। अजी तो कौन सी बड़ी बात होगी, रिसीट तो है हमारे पास। कार वालों को फोन कर देंगे, वो सामान लेके आ जाएंगे, और नहीं तो क्या। रिसीट गाड़ी में थी। हाँ जी, ली आपने? अरे लेकिन कार के ड्राइवर का नाम तो पता है ना जी, बबलू। हाँ। वाव, क्या करूंगी मैं उस नाम का। मेरी सारी चीजें थी उस बैग में, मेरे कपड़े, मेरी फाइल्स, सब कुछ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अजी चीजें ही तो कहीं है ना जी। चीजों का क्या है बहन जी, वो तो आती जाती रहती हैं। उसके बारे में ज्यादा नहीं रोना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ना जान है तो जान है, और जान तो नहीं गई। आप मेरे फ्रेंच एल्प्स के स्प्रिंग वाटर के साथ कुल्ली कर रहे हैं। तो कौन सी बड़ी बात हो गई जी, आप भी ना एक पानी की बोतल को लेके पीछे पड़ गई। अभी लिए देता हूं मैं। और जुज्जर सिंह जी 2 लीटर मिनरल वाटर दे देना बहन जी को। कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई? आपके लिए बड़ी बात है क्या? हाँ, जब जंगली भेड़िया अंदर घुस के हम पे अटैक करे और हमें खा जाए, तब होगी आपके लिए बड़ी बात। और आप बहन जी, आपके लिए तो हर बात बुरी बात ही है। आपको पता है, आपका तो गुड भी ना नॉट टू बैड से शुरू होता है जी, पता है? You know, that's it. I've had it. You are the worst person I have ever met. अच्छा, मैंने क्या किया? आपने क्या किया? हाँ जी बताइए क्या किया? आपके वजह से मेरी फ्लाइट मिस हुई। मेरी वजह से? हाँ, आपने अपना घटिया रिक्शा उस ग्रीन सिग्नल पे रोका था, और फिर फ्लाइट पे आपकी चपड़ चपड़ की वजह से मुझे फोर्सफुली अपने कान बंद करने पड़े। पता भी नहीं चला कि फ्लाइट कब जयपुर में लैंड हुई। अच्छा हुआ जी, दिल्ली एयरपोर्ट की प्रॉब्लम भी ना मेरे सिर पे ही मर दो। और फिर जबरदस्ती मेरे गाड़ी में घुसाए। वो मैं आपके लिए लिफ्ट ली थी, उल्टा चलाया। आपके लिए लिफ्ट ली थी मैंने, वो मेरे लिए? जी हाँ, ताकि वो भूखा भेड़िया बबलू, उसके पंजे में मैं अकेली बेसहारा औरत को कैसे छोड़ देता भाई। व्हाट? अकेली बेसहारा औरत? हाँ। Do you have any idea who I am? हाँ, मैं अकेली बेसहारा औरत एक 200 करोड़ की कंपनी चलाती हूँ। मेरे 635 एम्प्लॉय डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करते हैं। आप जैसे लोगों को ना मैं अपने ऑफिस में क्या, ऑफिस की बिल्डिंग के कंपाउंड में भी नहीं भटकने दूँ। अजी जाएगा कौन आपके कंपाउंड में भटकने के लिए, हैं? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतने सारे मर्द एक औरत के अंडर में काम कैसे कर लेते हैं। क्योंकि आप जैसे मर्दों के लिए औरतों को तो घर में ही बैठना चाहिए, ताकि आप बाहर जाकर आवारागर्दी करें। मैं आवारागर्दी कर रहा हूँ? मैं आवारागर्दी कर रहा हूँ? बाय द वे बहन जी, मेरी बीवी बिना सारा दिन घर में रहती है और उसे बांध के नहीं रखा मैंने, समझी ना? किस एंगल से मैं आपको बहन जी लगती हूँ? लो जी, अब हिंदुस्तान में औरतों को बहन जी कहना भी ना पाप है। आप रहने दीजिए जी, आप मुंबई वाले क्या समझेंगे दिल्ली वालों को। मैं बहुत सारे दिल्ली वालों को जानती हूँ, ओके, लेकिन कोई आपके जैसे ना मुंह खोल के नहीं खाते और गंदी गंदी गालियां नहीं देते, वो भी औरतों के सामने। हाँ जी, हम हिंदी में दे तो घटिया है, और ये अंग्रेजी में दे तो बहुत बढ़िया है। शट अप। किसी ने मेरा बैग काट दिया, मेरे सारे पैसे चोरी हो गए। आपके भी? कौन है कम्बख्त? फट हो गया मिर्चा। किस नौकरी में फंस गया। इससे अच्छा तो फूफा जी की ट्रैक्टर एजेंसी थी, उसी में काम कर लिया होता। बताइए जगह कहाँ है? अरे किसी गधे ने चेन पुल कर दी भाई। नेचर रख दो भाई। वो तो तब करूंगा ना, पहले हत्ते तो लगे। बताइए ट्रेन लेट करवा दी। किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी। हाँ? डिस्कस्टिंग आदमी है आप। आपको नहीं पता पब्लिक प्लेस में थूकना क्रिमिनल ऑफेंस है। अजी चलती ट्रेन को चेन खींच के रोकना उससे भी बड़ा ऑफेंस है, लेकिन खींचता नहीं तो आप ऊपर कैसे आती हैं? अगर पकड़े गए तो अजी चांस ही नहीं है। एसी डब्बे में जाके खींचिए, टीसी किसी और को खोज रहा देखा नहीं आपने। बैठने के लिए जगह मिलेगा अजी। वेयर देयर इज अ बिल देयर इज अ सीट। इंस्पेक्टर साहब, मिश्रा जी, मैं कह रहा था कि हमने तो ट्रेन की एक छोटी सी चेन ही खींची है ना। किसी लेडीज की चेन तो नहीं खींची है ना? है ना? एक मिनट एक मिनट, ये लेडीज का चेन खींचने से क्या मतलब है आपका? सर, आई हैव द राइट टू मेक वन फोन कॉल। फोन वोन तो हो जाएगा। लगता आप इंग्लिश फिल्म काफी देखती हैं। ये कौन लगते हैं आपके? ये दोस्त हैं जी, को पैसेंजर, शाह यात्री। हम लोग नोवा स्टेशन से साथ में ही चढ़ते और अच्छा चले जी। देखिए आप लोगों को लंबा फाइन भरना होगा। क्या है मौसा जी? मौसा जी, यही 500 रुपये बचे थे, अगर इसी में ले दे के निपटा दें तो। 500 रुपये से क्या होगा? हाँ? पूरा ऑफिस मेंटेन करना होता है हम लोगों को। नहीं कुछ नहीं है। सुनिए सुनिए, हमारी जेब कट गई थी जी और इनकी भी। नहीं नहीं, इससे तो कुछ नहीं होगा। 5000 रुपये लगेंगे। लो जी, जब हमने देने को कहा तो ठेंगा दिखा दिया। तो फिर ट्रेन की चेन खींचने में और यार्ड से पटरी चुराने में बहुत ही फर्क है। चरित्रहीन कहीं के। चुपचाप बैठो ना। देखिए क्या है कि पप्पू को खोल ले तो सड़ेगा, यही गोली से ताप देंगे। बिल्लू बिल्लू हमें ले जाने आया है। अबे शिट अप साले, पहचान हो जाएगी। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथी को जेल में डालने की? ए शिट अप बड़ू। अरे खोल, ऑफिस का टाइम है। इन छोटे शहरों के रंगारंग कार्यक्रम की ना बात ही कुछ और होती है जी। बस एक हिंदी फिल्मी गाना बजा दो, डांस कर दो, हाउसफुल हो जाता है जी। मजा आ गया जी आज तो। हाँ। अरे आप तो फ्रेश हो गई, मैं बाहर बैठता हूँ। मैं तो फ्रेश ऑलरेडी हो गई हूँ, आप बैठिए ना। आपके हस्बैंड आने वाले थे ना, मैं देखता हूँ। विक्रम 2 घंटे बाद आएंगे। तो 2 घंटे बाद देख लेंगे जी। खाना ऑर्डर करूँ? कितना खाएंगे आप? नहीं जी, मैं आपके लिए कह रहा था। मेरे लिए? नो थैंक यू। अच्छा सोचो, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें एक स्ट्रेंज जगह में, एक स्ट्रेंज होटल रूम में एक अनजान औरत के साथ देखेगी तो क्या बोलेगी? कुछ नहीं बोलेगी जी। रियली? जी वो मेरी बीवी है ना, वो इन झंझटों से परे है जी, उसे कुछ नहीं होता। ओके, आपका घर का नंबर क्या है? जी 628331 4। अरे क्या कर रही हैं आप? आपके घर पे फोन कर रही हूँ आपकी खैरियत बताने। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम राइट? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ हेलो, क्या मैं मिसेस? मैंने कहा ना उसकी जरूरत नहीं है जी। वो क्या है कि आजकल हमारी बातचीत नहीं हो रही है। मैं फोन करूंगा तो मैं नीचा हो जाऊंगा ना, माफी तो उसे मांगनी चाहिए। आपका फोन जी, आगे जाके राइट में जी। हाँ, बस 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 ओके जी, आगे जी दिल्ली। थैंक यू जी, नमस्ते जी। ओके अच्छा जी, करना साहब बाय बाय जी, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक फॉर द लिफ्ट। ओके हाँ हाँ जी। ओए ये क्या उतर रही है, क्या हुआ? So I guess this is it. हाँ जी, this is my चांदनी चौक जी। नहीं, I mean the end of our journey. हाँ जी, जर्नी तो एंड हो गई जी, पहुंच गए दिल्ली। किसे पता था? मैं कह रहा था जी कि अगर मुझसे कहा सुना माफ जी। नहीं प्लीज, जो भी था आई हैव टू से काफी इंटरेस्टिंग था। हाँ मिस्टर भाई साहब, लगता है आपने कार्ड पे मेरा नाम पढ़ा नहीं था। चलिए कोई नहीं जी, मन्नू गुप्ता है जी मेरा नाम। मीका बैनर्जी। नाइस टू मीट यू जी, वेरी नाइस टू मीट यू। गुड बाय भाई साहब।